brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. इस बार काफी मात्रा में आप जब सोचिए जो चीज 2019 में था वो 2024 में नहीं है। ओबीसी कम हुआ, हटी बिरादरी हटी है, नहीं तो सब गई है उसी में। हाँ, 4-6% गया है, बाकी हमारे यहाँ मौर्य 4 घर छोड़ के आपको भाजपा में दिए हैं, राजभर टोटल दिए हैं, एक भी वोट इधर उधर नहीं गया, जितने वोट देने हैं टोटल जाटो होते हैं उनका 20% वोट का लगभग भाजपा गया है, बसपा में गया हाथी पे, मतलब सवर है तो मतलब वो किसी काम का नहीं है। आप उस पर भी ध्यान दीजिए, हम लोग कितनी मेहनत कर कमाते हैं, पूरा टैक्स हम देते हैं, सारा काम हम करते हैं, हमारे घर में रोटी नहीं है, बाकी है क्योंकि हम उनका हमारा रहना करना हमारी ठीक है, सब दिक्कत होती है। जैसे आप ये धनंजय सिंह का मतलब कह लीजिए समर्थक हैं आप लोग? हाँ, इसमें से करीब मान के चलिए 7% उनके प्रभाव से ही वोट दिए धनंजय सिंह। हाँ, उनके बैठे धनंजय सिंह बसपाई होते तो आप सब लोग बसपाई होते? कुछ लोग रहते, कुछ लोग नहीं, सभी मामला 370 का 70 किरण 70 बाहर 20 उनको 30 धनंजय को 70 धनंजय। देखिए कैसे रहता है कि बहुत से लोग हैं ना, आदमी को देख वोट नहीं देते, हम कमल को वोट देते हैं, में देते भी हैं, मंडल चुनाव हुआ, चुनाव चला यहाँ जो पिछला रिकॉर्ड रहा सबसे ज्यादा वही पाए थे धनंजय सिंह, मतलब वही हम पूछ रहे हैं कि अगर धनंजय जी बसपा में होते तो सब आप लोग बसपा ही दे देते, जो उनके समर्थक देते ही। लेकिन यहाँ तो जो जितने लोग हैं हमको लग रहा है ज्यादातर ठाकुर ही लोग हैं, सब ठाकुर हैं, ओबीसी का वोट कहाँ गया सबको पता चल रहा है, मिला है भरो का वोट मिला है, एशियन का वोट मिला है, हमारे यहाँ केवट जाति सब बहुत ज्यादा है, वो भी पूरा भाजपा में गए हैं, खुल के गए हैं, और कुछ सुनकर 2-4-5% हटी बिरादरी हटी है, नहीं तो सब गई है उसी में। हाँ, 4-6% गया है, बाकी हमारे यहाँ मौर्य 4 घर छोड़ के आपको भाजपा में दिए हैं, राजभर टोटल दिए हैं, एक भी वोट इधर उधर नहीं गया, जितने वोट देने हैं टोटल दिए हैं आपको, यहाँ पीछे केवट लोग जो है पूरा वोट दिए, एक दो घर जो है या तीन घर मान लीजिए ये बाहर गया होगा वोट, बाकी लमसम जो है 40-50 घर है वो पूरा वोट मिला है, बस यही है कि इस बार 100 से वोटर जो है वोट नहीं दे पाए, वोट कटा बहुत है, सवर्णों का वोट कटा बहुत है, बहुत नाम कटा है, वोट बहुत कटा सवर्णों का वोट बहुत, सरकार कागज पे एक्टिव है, जमीन पर नहीं एक्टिव, क्योंकि इतना ज्यादा कार्यकर्ता वो लोग लगाते हैं, सरकार करती तो बाकी क्या रहती है, कभी नहीं ये ध्यान करते कि नहीं वोट बनने का समय आ गया है, बनवाइए या करिए या बनता है कि नहीं बनता है पता नहीं चलता। अच्छा, ये दलितों में जो जाटो बिरादरी है, राम बिरादरी है, उसका वोट कहाँ गया? इधर नहीं है, इधर वो बिरादरी इधर नहीं है, बूथ पे नहीं होगा, इधर जाटो इधर है ही वही, उन्हीं को जाटो कहा जाता है, जाटो इधर जाटो उनका 20% वोट का लगभग भाजपा गया है, बसपा में गया हाथी पे, सब लोग कह रहे हैं कि संविधान के नाम पे बसपा को बहुत सारा वोट बसपा को चला, मैक्सिमम वोट बसपा को गया है, नहीं संविधान बचाने के नाम पे, नौकरी के नाम पे सपा को गया है, नहीं नहीं ऐसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं गया है, जो योगी जी का काम है और मोदी जी का काम है, अपराध मुक्त से लेकर के गाली गलौज न खाना, वाली गलौज भी नहीं खा रहा है, अच्छे से काम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, चैन की नींद सो रहा है, उसको कुछ न करने वाले के लिए भी काफी सुविधाएं सरकार ने जो दिया है
शौचालय से लेकर के उज्ज्वला से लेकर के राशन से लेकर के उसके दम पे 20% वोट आया है भाजपा को। सारा उसमें भी हाँ लेडीज ही दे रही है, लेडीज अच्छा खासा वोट दे रही है। ये तो उस नाम का वोट मिला है ना, जब हम उन लोगों से बात करते हैं तो वो तो बहुत अभी भी बहुत असंतुष्ट है। नोट कर लिया, 6,000 रूपया दे रहे हैं, दूसरी सरकार आएगी देगी सब बंद हो जाएगा। मैं तो यही बोलता था कि 6,000 रूपया मिल रहा है ये सब बंद हो गया, पेंशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं योगी जी। आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं इतना सरकार काम की आखिरी में सब लोगों से आवाज, ये जो इतना शक्तियों का विरोध शुरू हुआ ये राजस्थान में, गुजरात में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, अभी भी आपको दिखेगा प्रतापगढ़ और इधर, तो ये क्षत्रियों का विरोध का कितना असर हुआ होगा। ये प्रायोजित है, मतलब कुछ जगह पे उन लोगों ने डेंट करने के लिए किया है। आदमी बोलता कुछ है, उसको दिखाते कुछ है, पहुंचाते कुछ है, और आदमी के बीच में ह्यूमर बोलता कुछ। आपकी बात का खंडन करेंगे, मछली सर लोकसभा क्षेत्र में 15% असर रहेगा इसका। पंद्रह परसेंट जो क्षत्रिय है वो क्रॉस वोटिंग करेंगे, वो सपा को देंगे। SC ST बाबा बने हुए हैं जो है बीपी सर, नाराज तो यहाँ भी है लेकिन मोदी जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे वोट दे जाए। बीपी ये कह लीजिए आप कि यादव अगेंस्ट वोट जो है भाजपा दे रहे हैं, ठाकुर जो है ठाकुर नाराज नहीं है, SC ST के लिए यहाँ ठाकुर जो है भाजपा को वोट दे रहे हैं। अगर सांसद जी रहते तो मे भी यहाँ पे चीजें कुछ अलग रहती, लेकिन सांसद जी नहीं है इसलिए यहाँ सारे ठाकुर बनिया या हर बिरादरी के लोग जो है भाजपा को। हमारा सवाल तो ये था ना कि वो जो छत्रियों वाला विरोध है वो आप लोगों को कितना लगता है, कितना विरोध है वो सही में, अंदर में विरोध है, अंदर मन में विरोध है, लेकिन योगी जी के कारण हम लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं एकदम सही 100%। ये 100% योगी जी के कारण जो है वोट दिया जाए, विरोध छत्रियों का है। इस बार हर बार की अपेक्षा इस बार वो उत्साह नहीं है, वह निराशा है भाजपा को लेकर, लेकिन फिर भी हम एक अपना है कि योगी जी हैं, और दूसरी चीज ये है कि भाजपा के अलावा कोई विकल्प आज डेट में विशेषकर हम लोगों के लिए कोई नहीं बचा है, पूरे देश में तो कोई विपक्ष नहीं है, इसलिए हम लोग दे रहे हैं। विपक्ष में है ही नहीं, लेकिन उत्साह नहीं होगा। ठाकुरों में नाराजगी है, हमारे जितने छत्रप है टारगेट किए जा रहे हैं लगातार, हमारे जितने भी छत्रप है उनको टारगेट किया जा रहा है, केवल ओबीसी वोट बैंक लेने के लिए ओबीसी का वोट लेने के लिए ये कार्य किया जा रहा है, जिसमें ओबीसी इस बार काफी मात्रा में, आप जब सोचिए जो चीज 2019 में था वो 2024 में नहीं है। ओबीसी का तो यानी कि ओबीसी कम हुआ है, ओबीसी कम हुआ है। तो ओबीसी का जो अगर वोट कटेगा, ओबीसी की तादाद तो ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा है। हाँ ज्यादा है, 40-50% ओबीसी है, लेकिन इस बार कैसा है, लास्ट टाइम जो था कि सपा बसपा मिलकर लड़ी थी, हाँ इस बार जो है वो सब बढ़ गया ना वोट, लास्ट टाइम तो दोनों मिलकर बैक लड़े थे। आगे उनको वो कुछ कह रहे थे। अच्छा ये बताइए, आप एक बात बताइए कि जो कह रहे हैं कि ओबीसी बटा है, और ओबीसी जो बीजेपी का वोटर था वो इस बार कटा भी होगा, कटा भी कितना कटा, कम से कम 20%। ये कटके रहने से अपनी मौर्या बिरादरी काफी मात्रा में कटी है, मतलब हर बिरादरी में कुछ न कुछ कट के गए हुए हैं, जो कि इस बार उनके गठबंधन में भी। और सही तो ये है कि केवल जो राजपूत इस बार वोट दे रहा है इधर से हमारे जौनपुर में, वो केवल योगी बाबा के कारण ही दे रहा है। 20% 25% ओबीसी कट गया, कहाँ से जीत का समीकरण आया? ये तो मोदी जी को समझना चाहिए ना, सरकार को समझना चाहिए ना, ये तो मोदी जी को समझना चाहिए कि छत्री मतलब सवर सवर है तो मतलब वो लतमरुआ है, वो किसी काम का नहीं है। आप उस पर भी ध्यान दीजिए, हम लोग कितनी मेहनत कर कमाते हैं, पूरा टैक्स हम देते हैं, सारा काम हम करते हैं, हमारे घर में रोटी नहीं जल पाती है क्योंकि हमारा रहना करना हमारा ठीक है, सब दिक्कत होती है। हम सिर्फ पॉलिटिकल बात पूछ रहे हैं कि अगर जो 80% ओबीसी बीजेपी को दे रहा था, इस बार तो नहीं दे रहा था? नहीं इस बार 80% दे रहा है, 20% नहीं दे रहा।
उसमें भी यादव मुस्लिम ओबीसी छोड़कर अब बाकी बात कर रहे हैं जो है जैसे मौर्य पटेल भर पाल ये वोट कटा है पाल और सबका छोड़कर सबका मिला नहीं वो मौर्य कटा है मौर्य कटा हमारा जो एनआरसी है गांव का जो है बनेगा पच्चीस से घर मौर्य दो चार घर मौर्य नहीं दिए रात भर हमारे सारे भाजपा वोट दिए बिंद बस्ती करे 50 घर दिए चौहान हमको कम से कम 60% ज्यादा वोट दिया है विश्वकर्मा हमको 70% दिया है शर्मा हमको 70% दिया है तो हम कहाँ से कमजोर है पिछली बार तो जो कटा था वो भी नहीं कटा पिछली बार जो है 2-4% पिछली बार 100% था लेकिन इस बार लोग जो है डाइवर्ट हुए हैं लेकिन मात्रा बहुत कम है हम 20 हैं मतलब भाजपा 20 है अदर ओबीसी में भाजपा 20 है अब नहीं हमेशा 2-4 घर हमेशा जाता है अब ये हमारे यहाँ तो यही है अगले गांव का क्या हाल है ये तो अगला को जाना लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अदर ओबीसी उड़ गया होगा 100 उड़ गया होगा डाइवर्ट लेकिन कम से कम 500 वोट मिले चार घर छोड़ के गीत के भैया गीत चार घर मौर्य सबको नहीं लग रहा है कि भाजपा को बहुत बढ़िया वोट मिला नहीं ऐसा नहीं 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 मिला है मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ चार घर छोड़ कर हमको सारे घर मौर्य कुशवाहा तो उधर के कैंडिडेट भी तो है 40% गए के नाते इतना बंटवारा 40% मौर्य कुशवाहा के नाम पे गए हैं 7% भाजपा में है अभी हमारे गांव में ज्यादा 80% ज्यादा भाजपा को है क्या कहना मौर्य कहाँ गए नहीं दिए कहाँ गए मौर्य बताइए आप मौर्य कहाँ गए बीजेपी में गए कि राजकीय में गए मौर्य का और यह भाजपा में कैसे आप साबित करेंगे भाजपा में गया अरे भाई कुछ परसेंट गया है अरे कुछ परसेंट गया है कहाँ गया है आप जहाँ बैठे हैं ये दुद्धुपुर गांव दुद्धुपुर गांव है आदर्श विधानसभा का जो कि जौनपुर लोकसभा में है और यहाँ पर जितने चेहरे आपने देखे सुने इसमें से लगभग सभी क्षत्रिय बिरादरी के और साथ साथ कह सकते हैं कि धनंजय सिंह के समर्थक भी हैं इनका भी कोर समर्थक हैं हालांकि इन्होंने बीजेपी को वोट किया है इस बार लेकिन मूलतः ये धनंजय सिंह के समर्थक हैं और इनका मानना है कि ओबीसी का वोट कुछ मात्रा में कुछ प्रतिशत में कटा भी है और लेकिन क्षत्रिय बिरादरी नाराज होते हुए भी उसने बीजेपी को वोट किया है अब सवाल यह है कि क्या ओबीसी जो कटा है वो क्या बीजेपी को इतना नुकसान पहुंचाएगी कि बीजेपी हार सकती है ये एक बड़ा सवाल है।